बागेश्वर जिला पंचायत में बजट के समान वितरण की मांग को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन सोमवार को भी जारी रहा। नाराज सदस्यों ने कहा है कि जिला पंचायत को अपनी हठधर्मिता छोड़कर जनता को उसका वाजिब हक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने अपने क्षेत्र के विकास की आवाज है, जिसे वो धरने के माध्यम से बुलंद कर रहे हैं। इधर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एडवोकेट पीसी तिवारी ने भी जिला पंचायत सदस्यों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि जनता की इस लड़ाई में वह सदस्यों के साथ हैं। जिला पंचायत सदस्यों का जो आंदोलन चल रहा है उसको 13 दिन हुए और 13 दिन तक सरकार का प्रशासन का उसका संज्ञान में लेना बहुत ही गंभीर हो गया है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, कुछ चुने गए प्रतिनिधियों का सम्मान करना नहीं जानती। और हम उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो हरकत है लोकतंत्र विरोधी हरकत है। तत्काल उनसे बात करनी चाहिए, उनकी मांगे न्याय संगत है, उनकी मांगे न्याय करना चाहिए और ताकि बात करके समाप्त करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो लड़ाई व्यापक बढ़ेगी, तो हम पूरे तौर पर आगे भी न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।